नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। ये बिल्कुल अंतिम फाइनल स्टेज में पारद आ गया है, बिल्कुल जमा है ये। अब बस कल से 14 तारीख को महा पहना भगवान शिव का चालू होने वाला सावन, कल से इसको काले धतूरे की भावना दे देंगे। देखो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसमें जो आप देख रहे हैं, मैंने बताया था ना कि आभा खत्म हो जाएगी, स्वर्णिम आभा बहुत कम बची है, ये बिल्कुल कम बची है। अब इसकी अंतिम भावना जब देंगे हम धतूरे की, तो वो भी खत्म हो जाएगी, 21 भावना तो देनी ही पड़ेगी। देखो मित्रों, भगवान शिव को सब ठंडी चीज़ें पसंद है। जैसे कई लोगों का कहना है कि पारद शिवलिंग के ऊपर चांदी का सोने का बर्क लगाइए, सोना खिलाइए, बिल्कुल कभी मत खिलाइए, आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेंगे। आप सब चीज़ें हैं हमारी आँख के सामने, कोई बताने की कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब भली भांति जानते हैं, बस थोड़ा सा मेरी बात समझ जाएंगे तो ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु जो संतों से हम प्राप्त हुआ, जो हम गलती करते हैं, जिसके हमको परिणाम भुगतना पड़ते हैं, हम शिवलिंग घर में रखते हैं पारद शिवलिंग की, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो, पर हम काम उल्टा कर देते हैं तो फिर कृपा की जगह नुकसान होने लग जाता है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावन का महीना है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलती कभी मत करना। भगवान शिव को कभी भी सोने का बर्क मत खिलाना, सोना होता है गर्म, और भगवान शिव और सोना का एक रूप माया भी है। आपने पशुपति, आपने वहाँ देखा होगा त्रिपति बालाजी में भगवान शिव नाराज हो गए थे, तो पूरी लक्ष्मी घमंड में आ गई थी, तो पूरी लक्ष्मी भगवान शिव का ही मंदिर है वह त्रिपति बालाजी, तो वहाँ भगवान शिव के चरणों में पड़ी रहती लक्ष्मी, सोना चांदी सब चरणों में पड़ा रहता, रुपया पैसा चरणों में पड़ा रहता, सिर पर नहीं चढ़ता, वहाँ प्रसाद के रूप में जो भी आप धन संपत्ति वहाँ चढ़ाते हैं उनके, आपने देखा होगा सामने एक चौखाना बना है उस पर चढ़ता है, भगवान शिव पर नहीं चढ़ता। तो भगवान शिव को कभी भी सोने का वर्क ना चढ़ाएं, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होता। भगवान शिव को सब ठंडी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए आपने पशुपतिनाथ में देखा होगा ऊपर चांदी का मटका लगा है, जिससे उनके ऊपर बूंद बूंद पानी टपकता है, नीचे भी चांदी लगी रहती है। महाकाल में चले जाइए, चांदी का कलश, जिस भी शिव मंदिर में आप जाएंगे चांदी के कलश से पानी टपकता, सोने का कलश भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को जो महाकाल की यात्रा निकलती है, चांदी का ही मुकुट चढ़ाया जाता, क्यों? उनके सिर पर गंगा इसलिए विराजमान है कि उनको ठंडक रहे, क्योंकि उनने जहर पिया था, गर्मी उनके शरीर में है, उनके पसीने से माँ नर्मदा निकली है, तो उनको गर्म चीज़ अगर जरा सी भी आपने चढ़ाई तो वो फिर नाराज हो जाते हैं। शिव जैसा भोला है वैसा भाला भी है, ध्यान रखना, आप बिल्कुल क्रुद्ध हो जाते हो। इसलिए हमेशा चांदी का बर्क चढ़ाइए, उनको ठंडी चीज़ें जैसे अपराजिता का पुष्प, धूप, दूध, घी, दही, शहद, सब ठंडी चीज़ें उन पर चढ़ती हैं। अकाव का फूल ठंडा, धतूरा ठंडा, भांग ठंडी, आप देखो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में हैं, पर क्यों हैं ये हम थोड़ा सा बिसर गए हैं, भूल गए हैं, इसलिए मैं आज आपको याद दिला दूं। भगवान शिव को आप जितनी ठंडी चीज़ें चढ़ाएंगे उतना वो प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि गर्म लगता है उनको, गर्मी लगती, जहर उनके कंठ में, देखिए नाग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, सांप ठंडा खून का जानवर होता है, इसलिए वो गर्मी जरा से भी बर्दाश्त नहीं करता, ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है, इसलिए उन्होंने उसको अपने गले में धारण किया है कि गर्मी न लगे, ये उनका श्रृंगार है। तो भगवान शिव को हमेशा ठंडी चीज़ चढ़ाइए मित्रों, चांदी का बर्क खूब चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सोने का बर्क कभी नहीं चढ़ाइए, सोने का गहना कभी नहीं चढ़ाइए, जो बताते हैं लोग कि सोने का बर्क देना या सोने की भावना, कभी नहीं देना चाहिए। जो जो स्वर्णिम आभा देख रहे हो ना, ये प्राकृतिक है, सफ़ेद फूल पलाश का बहुत ठंडा होता है, ये प्राकृतिक तौर पर ही सफ़ेद, उसमें जो पीली आभा आई है वो प्राकृतिक आई है, इसमें कोई मैंने सोना चांदी की बर्क नहीं मिलाई, सोने की बर्क नहीं मिलाई, जो प्राकृतिक आ जाए वो ठीक,
पर अपनी तरफ से जो बताते हैं लोग कि सोने का चाहे गुटिका हो चाहे शिवलिंग, गुटिका भी शिव का ही प्रतीक है, उस पर स्वर्ण की बर्क या सोना देना बिल्कुल 100% गलत है। जिनको शास्त्रों का कुछ भान नहीं, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, जो इस तरह से कार्य करते हैं फिर लोगों को उसमें नुकसान होता है, निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। आप खुद ध्यान दीजिए, देखिए भगवान शिव को हमेशा ठंडी चीज, और मैं जो पारद गुटका बनाता हूँ इसमें आप चाहे सफ़ेदा परचिता का रस ले लो, भावना दे दो, चाहे नक्षकिनी ले लो, चाहे अजगरी ले लो, चाहे एक बीरा ले लो, सब चीज़ें ही ठंडी हैं इसमें, सब चीज़ ठंडी है, चाहे सफ़ेद पलाश ले लो, सब ठंडी चीज़ों की भावना दिया जाए तो पारा जमत, पारा वैसे भी गर्म होता है, जब हम उसको शिव के रूप में परिवर्तित करते हैं, चाहे गुटिका के रूप में परिवर्तित करें, चाहे शिवलिंग के रूप में परिवर्तित करें, तो हम उसको ठंडा कर देते हैं, और जब ठंडा करके बनाते हैं इसलिए उसके अंतिम भावना काले धतूरे की देते, धतूरा बहुत ठंडा होता है और काला तो बहुत ही ठंडा होता है, तो उसको भावना दे देते हैं तो बिल्कुल शीतल होकर प्रसन्नचित्त हो जाता है वो शिवलिंग या गुटिकाएँ, और उनका प्रभाव दिव्यता देता है। जितनी आपका शरीर गर्म है, गर्मी में, गुस्से में, क्रोध में आप जितना निर्णय लेंगे सब गलत हो जाएगा, और शीतल इसलिए बोलते हैं ठंडे दिमाग से काम करो। तो ये गुटिकाएँ और शिवलिंग आपके ठंडा करके आपके अंदर जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनको बाहर निकालती है, गर्मी उनको अंदर दबा देती है। ये देखो मित्रों विज्ञान है, ये बहुत गूढ़ विज्ञान है, जानकार लोग ही इसको जानते हैं या नाथ संप्रदाय के लोग इसको जानते हैं। सत्संग में रहो तो बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है, किताबों में कुछ भी नहीं मिलता, केवल उसके पदचिन्ह मिलते हैं, परंतु साधु संतों की जो संगत है ना, वो कभी कभी प्रसन्न चित्त होकर प्रसन्न मन से अपने चेले को, आज गुरु पूर्णिमा भी है, हमारे गुरु अब है नहीं इसलिए भी उनकी याद में ये मैं डाल रहा हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया, आज सत सत नमन हमारे गुरु को, और उन्हीं की वाणी जो मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत, तो वो मैंने आज आपको बता दी है। ऐसी गलती कभी नहीं करें, जब भी चढ़ाएं कच्चा दूध गाय का मिले बहुत अच्छा, शहद मिला दें उसमें थोड़ा सा, चंदन मिला दें थोड़ा सा, और भगवान शिव को अर्पण कर दें, दही मिल जाए बहुत अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें ही भगवान शिव को बड़ी प्रसन्न करने वाली है। बिलपत्र ये देखिए, ये मैं इसको आपको पास से दिखा देता हूँ, इसमें जो हल्की हल्की जो आपको भावना दिख रही है ना, अभी तक गई नहीं है, बिल्कुल अंतिम स्टेज में, अब इसको हम जब गर्म कर देंगे तो ये क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, ये सफ़ेद पलाश के पुष्प का रस अंदर चला जाएगा और इसको पूरा अंदर से ठंडा कर देगा, फिर ये स्वर्णिम आभा नहीं दिखेगी आपको शिवलिंग पे, ये कहीं कहीं नीली भी दिख रही है, ये जो नीली दिख रही है ना, ये नीली अपराजिता की जड़ का रस है उसके कारण दिख रही है, और ये पीली सफ़ेद हम जो वो डालते हैं, सफ़ेद गाय के दूध में मिला के सफ़ेद पुष्प पलाश का, उसकी भावना है। इस तरह से ये बनता है मित्रों शिवलिंग, देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया बनेगा ये लगभग 250 ग्राम 250 ग्राम पारा है ये, काफ़ी शिवलिंग और गुटिकाओं का निर्माण काल अब बन तो गए, ये पक्का हो गया, बस अंतिम भावना देना है, तो 2 दिन का काम है ये हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान शिव का मास चालू हो उसी में बनाए, आज गुरु पूर्णिमा है, कल से चालू हो जाएगा भगवान शिव का महीना, उस समय वो पृथ्वी पर रहते हैं, भगवान पार्वती माँ पार्वती के साथ विचरण करते हैं, इसलिए उनका भी आशीर्वाद इसमें मिल जाए, इसलिए मैं इसको कल बनाऊंगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी कुछ ये छोटी छोटी सी बातें थी, जिसको अगर आप ध्यान में रख कर भगवान शिव की पूजा करेंगे और गलती नहीं करेंगे तो आपको भगवान शिव का ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिए मित्रों, ये बड़ी छोटी सी चीज़ है पर अतिशय महत्वपूर्ण है। तो और जब भी आप बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाएं, उल्टा करके चढ़ाएं और कोमल चढ़ाएं, जितना कोमल बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़ेगा उतना फ़ायदेमंद चीज़ है। और भगवान शिव को ध्यान रखना, कभी भी तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना, तांबा गर्म होता है, मंगल का प्रतीक है, तांबे से कभी नहीं, चांदी के लोटे से चढ़ाइए, चांदी के गिलास से नहीं, कुछ हो मिट्टी के बर्तन से चढ़ाइए, अनार का रस चढ़ा सकते हैं,
ठंडा होता है, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, ठंडा होता है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। मिट्टी के पात्र से चढ़ाइए, बढ़िया नया मिट्टी का पात्र लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसी से चढ़ाइए। अगर आप चांदी का नहीं ले सकते, तांबे के लोटे से कभी भी भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गर्म होता है वो, नुकसान कर देगा आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, जो आज गुरु पूर्णिमा है, भगवान मेरे गुरु को, भगवान ईश्वर को आपको स्वर्ग में उनको स्थान दे, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, देखने वालों पर भी बना रहे। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, नमस्कार मित्रों।